पूजा का स्थान जहाँ हम जा रहे हैं अभी बर्फ से 10 फुट ढका हुआ है और सामने मणिमहेश कैलाश के दर्शन सामने पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई दिखाई दे रही है और बीच में कमलकुंड का कालीकुंड कमलकुंड अल्पिंग बार में गाली कौन नहीं का कोई नहीं निकाल रहा है कोई बात नहीं बन जाए ऐसी वैसी कोई सारे बोले के भक्त है आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे हमारे बाबा जी आ रहे हैं जय मणिमहेश की जय बाबा जी कालीकुंड से आते हुए हमारी ओर आ रहे हैं और बीच में कालीकुंड के करीब पहुंच चुके हैं कालीकुंड के करीब पहुंच चुके बाबा जी हाँ ये तो अभी कुंड में पूरा भरा भरा हुआ है अभी पानी को कोई नाम निशानी नहीं है पानी के ऊपर चल रहे हैं पानी का कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है खाली बर्फ दिखाई दे रही है पानी पानी है आप लोग कहाँ से आया भाई अब पहले जाना से कि पहले भी आया है सेकंड टाइम अच्छा आप लोग का मन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है अब कैलाश का दर्शन करो आज खुला दर्शन है आप लोग को मान से आया है सच्चा दिल लेके आया है श्रद्धा विश्वास के साथ तो आज मौसम बहुत है मतलब अच्छा सर्दी में परेशानी तो नहीं कुछ बाबा जी के साथ नहीं परेशानी तो होता ही है यहाँ परेशानी समझे तो परेशानी है अगर परेशानी नहीं समझे तो परमात्मा के तरफ से जो है शरीर है शरीर कष्ट तो होता ही है श्रम तो कष्ट को झेलना पड़ता है भक्ति के लिए और बाबा जी कुछ और बताना चाहेंगे सर्दियों के बारे में सर्दी के लिए हाँ अब विशेष क्या बताइए सर्दी जो है यहाँ भगवान शंकर का जो कैलाश है हाँ जी स्वयं भगवान शंकर विराजमान रहते हैं अब इस कैलाश में आप अनेक रूप से भगवान का दर्शन मिलते हैं तो आप दर्शन कर सकते हैं अभी पूरे परिवार से महीने कैलाश में रहता है तो शीतकाल में यही आनंद है यहाँ का जो है एकांत में भगवान का जो है परमात्मा का आध्यात्मिक तरह को ध्यान देने का एकाग्र हो गया जो अपना आध्यात्मिक तौर पर आत्मा विशेष आत्मा भाव से यहाँ आत्मा समर्पित करके रहना पड़ता है नहीं तो शरीर तक कभी भी कुछ भी हो सकता है शरीर संबंध रखेगा ना यहाँ रहना कठिन हो जाएगा दुख होगा तकलीफ होगा और बीमार पड़ेगा ये भाव से फिर आपको मतलब रहना मुश्किल हो जाएगा अभी पूरा बर्फ भरा हुआ इसके नीचे मन
बस अवेज रखो कम से कम कम से कम अभी तो 15 फुट फुट तो मामूली है 15 फुट से ऊपर ही है हां ज्यादा ही है अभी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं और अब यहां पर ग्लेशियर वगैरह आया था कि बर्फ इसमें ग्लेशियर नहीं आते वो तो देख ले ग्लेशियर इधर आ रहा हुआ है इधर किनारे किनारे आते हैं ग्लेशियर बाहर भी आता बाबा सामने हां हां ये बर्फ गिरी ग्लेशियर नहीं मतलब नहीं है बर्फ जैसे फॉल होता ना जैसे ताजा बर्फ पड़ता अगर ऐसे रहेगा पड़ते रहेगा नीचे नहीं डालेगा तो भाई ये संख्या 30 फुट बड़ा हो जाएगा यार ये बर्फ ताप में मतलब थोड़ा धूप लगने से नीचे बैठ जाता था हम उसके ऊपर चल सकते नहीं तो जब जाएगा नहीं ये पत्थर हो गया ना ये हमने तो तब तो 30-40 फुट पर हाँ है जाता ना तो हम सोच लेता है गर्मी शुरू हो गया अब मतलब आदमी आएंगे मतलब शीतकाल कट गया पहले यार शीतकाल नहीं काटा है मतलब यहाँ अभी बराब है 25 फुट बराब है आपके मौसम का हिसाब से नीचे के हिसाब से यार गर्मी हो गया यार 12 महीना बराब रहता है 12 महीना बराब होता है मतलब यहाँ गर्मी तो साले पैसा नहीं भोलेनाथ खुश है चलो आप लोग भक्त लोग आया